फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आंवले का अचार बना रही हूँ। देखिए, अभी सीजन आ गया है आंवले का, तो फिर आंवले का सीजन है तो अचार इसका बना। आंवले को हम लोग किसी ना किसी रूप में खाते हैं, चटनी के रूप में, बॉईल करके या अचार के रूप में। तो ये अचार है क्या कि आप स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और इसे पराठे के साथ, सब्जी के साथ, खाने के साथ आंवले को सेवन करना चाहिए हम लोगों को विंटर में। तो आइए देखिए, मैंने हाफ के जी आंवला लिया है। इसे सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे। 5 मिनट तक हम इसे गैस पर बॉईल करेंगे। 1 चम्मच सौंफ लिया है, 1/2 चम्मच मेथी और यहाँ धनिया पाउडर लिया है हमने। यहाँ पर अदरक देखिए मैंने ग्रेट करके पतली पतली स्लाइस में अदरक को काट कर रखा है। आप 50 ग्राम अदरक ले लो। और ये देखिए, मैंने हरी मिर्च को भी उसी तरह से लंबी लंबी स्लाइस में काट कर रखा है। तो आइए सबसे पहले हम इस आंवले को, देखिए बॉईल हो गया है। अब हम इसे सीड्स को बाहर निकाल देंगे। तब तक ये जो हमारा सौंफ, मेथी और धनिया है, इसे हम गर्म कर लेंगे और फिर पीला सरसों का भी इसमें पाउडर बनाएंगे। पहले हम इसको गर्म कर लेते हैं एक पैन में। इस धनिया, मेथी और सौंफ को थोड़ा गर्म करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे हल्का भूनना है। इसे भूनकर हम ग्राइंड कर लेंगे। गया, अब हम इसे गैस ऑफ करके इस जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और हमने यहाँ पर पहले से ही सरसों का, पीला सरसों का पाउडर हमारे पास तैयार है। इसे भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस ऑन किया है। 1 कप अंदाज हम इसमें मस्टर्ड ऑयल लेंगे। आप कोई भी एडिबल ऑयल ले सकते हो, जैतून का तेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये तेल जो है यहाँ पर ठंडा हो गया है। हम इसमें सबसे पहले तो ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला रखा है वो डाल देंगे। थोड़ा इसमें 1 चम्मच देखिए मैंने पीला सरसों पाउडर थोड़ा और डाल देंगे। रहना है अच्छे तरीके से। वो जो कस्सा होता है, इसलिए इसमें नमक थोड़ा अच्छे से डालेंगे, नहीं तो फिर ये फिक्का फिक्का हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ी हल्दी डालेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दिया है। इसे अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और अब हमने जो ये यहाँ पर हरा मिर्च पतली पतली स्लाइस में काट कर रखा था वो डाला। और ये अदरक भी मैंने जो पतली पतली पीसेस काट कर रखा था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, वो इसमें डालकर अच्छे से इसे मिला देंगे। अब देखिए, ये जो मैंने आंवला बॉईल किया था, इसके देखिए एक एक पीस कैसे मैंने निकाल कर रखा है। इसे ठंडे होने के बाद अच्छे तरीके से ये एक एक पीस निकल जाते हैं। अब हम इसमें इसको डालकर अच्छे तरीके से इसे मिलाएंगे। इसे पकाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि तेल आपने देखा मैंने गर्म करके लगभग पूरी तरीके से ठंडा कर लिया था, तब हमने ये सारा कुछ मिलाया है। नमक भी और डाल दें, क्योंकि आंवला है इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप अंदाज से आप डाल सकते हो नमक हल्दी। हम इसे अब एक जार में डाल रहे हैं ताकि हम इसे स्टोर कर सके अच्छे से और इसे धूप भी लगा दें। अब इसे अच्छे से एक दिन की धूप लगाकर इसे स्टोर कर लेंगे। देखिए, मैंने आंवले का
अचार बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इसे ट्राई जरूर करना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना।